यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बढ़िया हूँ देवव्रत। ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? तुम बताओ अपना हाल, तुम लोग बताओ। ठीक है, मैं ठीक हूँ। खांसी जुकाम हुआ था बट वो कोरोना में तब्दील नहीं हुआ, नॉर्मल निकल होके निकल गया, ठीक हो गए हम। ठीक है, तो रीजनिंग में आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में। आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क जैसा टॉपिक है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता वही कंसेप्ट पे एक टॉपिक और है, पाइपिंग सिस्टम। दोनों टॉपिक्स लगभग में सिमिलर है, मतलब अगर आपने टाइम एंड वर्क सब समझ लिया तो आपको पाइपिंग सिस्टम भी समझ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, दोनों टॉपिक से मिलकर कम से कम दो या तीन क्वेश्चंस आ भी जाते हैं एग्जाम में, नीम सेट में, ठीक है, देखने को मिल जाते हैं। कभी दो आ जाते हैं, कभी तीन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये टॉपिक हमारा इजी रहेगा और अच्छा टॉपिक माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वन बाय वन नोट करिए जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, देखो बच्चों, आप समझते हैं टाइम एंड वर्क, आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे, यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर डीप में समझ लिया तो टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका पूरा लगभग में समझ में आएगा। सबसे पहले टाइम एंड वर्क जो आपको चैप्टर का नाम जो सजेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि कोई काम कुछ टाइम में हो रहा होगा, कोई भी काम हो सकता है। तो जो भी काम होगा उसे जनरली हम क्या ट्रीट करते हैं, वन यूनिट, कि भाई हमारा एक काम है, एक काम है मतलब एक काम है पूरा। इस काम को मैंने आधा आज किया तो मतलब मैंने कितना कर दिया, वन बाई टू कर दिया। मैंने इस काम को वन फोर्थ किया मतलब चार पार्ट कर लिया, क्वार्टरली कर लिया, तो मैंने 1/4 काम कर लिया। समझ लो मेरी बात को। तो जो काम होगा वो वन यूनिट होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। टाइम जो होता है मतलब किसी काम को करने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम। टाइम डेज में भी हो सकता है, टाइम आवर्स में भी हो सकता है। तो जो टाइम है किसी काम को करने में वो होगा 1/1 day work। हम यहाँ पे टाइम को डे में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने दिन लगेंगे किसी काम को होने में। अगर कोई पूछे तो एक दिन में जितना काम होता है 1/1 उतना, मतलब मैंने कहा कि एक दिन में 1/5 काम होता है एक दिन में। समझना बात को, तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, क्योंकि 1/1 1/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 5 दिन लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। और ऑब्वियसली एक दिन में अगर 1/5 करेगा तो अगले दिन फिर 1/5 करेगा, फिर तीसरे दिन 1/5 करेगा, फिर चौथे दिन 1/5 करेगा, फिर पांचवें दिन 1/5 करेगा, तो काम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितने दिन में, 5 days। अगर यहां पे पूछो 1 day work क्या होगा तो 1/1 time। कोई तुमसे कहे कि एक काम है वो 30 दिन में होता है, कितने दिन में होता है, 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/30। समझ गए बात को। मैं कहूं कि मोहन किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। बात समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, मतलब टाइम और एक दिन का किया हुआ काम कैसे रिलेशन रखता है, इनवर्सली, है ना। कोई एक्स है वो एम डेज में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/m, सिंपल है। कोई एक्स है वो एक दिन एम दिन में कोई काम कर रहा है और जो बाई है वो एन दिन में कोई काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों का काम कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इफिशियंसी जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1/1 time होगी। मतलब सोचो, अगर जो पर्सन है उसकी इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता ज्यादा हो जाए तो टाइम इनवर्सली है, और क्षमता कम हो जाए तो टाइम, समझ गए। किसी चीज की अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी अगर अच्छी होगी उसकी तो टाइम वो कम लेगा काम करने में, इफिशियंसी कम होगी तो टाइम वो, बात समझ गए, इतना कंसेप्ट क्लियर है, यस और नो। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे अब। लिखिए पहला क्वेश्चन, नोट करिए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए होगा ना, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बता रहा हूं आपको, कितने तरीके, दो तरीके, और हम लोग दोनों अप्रोचेस को अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये वाली अप्रोच पे काम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम इस वाली अप्रोच पे काम नहीं करेंगे, हमें दोनों अप्रोच सीखनी है। अगर आपको टाइम एंड वर्क में 100% नंबर चाहिए तो आप दोनों अप्रोचेस पे काम करिए, ठीक है। कभी हम ये अप्रोच लगाएंगे, कभी हम ये अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। और कभी आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ ही आज ही हम समझ लेंगे विच अप्रोच इज गुड और कौन सी अप्रोच किस टाइम पे काम आएगी। जैसे सबसे पहले मैं अगर इस वाली अप्रोच को लगाऊं तो हमें क्या दिख रहा है
कि जो ए है वो काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में पहले काम निकालते हैं, वन डे का वर्क निकालते हैं, वन डे का वर्क निकालो हमेशा, क्योंकि अगर वन डे का वर्क आ गया तो टोटल डेज आपके तुरंत मिल जाते हैं। क्यों? टाइम इज इक्वल टू 1/1 डे वर्क होता है, मतलब जो वन डे वर्क आया उसको पलट दो तो डेज मिल जाते हैं। क्लियर है? तो अगर 1 दिन का काम देखें तो ए ने भी कुछ 1 दिन में काम किया होगा। कितना किया बच्चों? 1/6। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ए जो है, ए वो 6 दिन में करता है। अगर ए अकेले काम करेगा तो 6 दिन लेगा, तो 1 दिन में 1/6 काम करेगा। अभी पढ़ाया था मैंने, वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। क्लियर है? और अगर बी की बात करूं तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 1/9। और अगर ए प्लस बी की बात करूं तो दोनों मिल जाएंगे। ए प्लस बी की बात करूं तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? तो कितना वर्क हो जाएगा बच्चों? एलसीएम कितना आएगा फटाक से बोलो? 18 एलसीएम आएगा, 6 3 और 9, तो 5/18। ये वर्क होगा कितने में? 1 दिन में। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा बच्चों? 18/5 डेज। क्योंकि टाइम को बस वर्क 1 दिन का जो काम उसको पलट देते हो तो हमें क्या मिल जाता है? डे टाइम मिल जाता है। क्लियर है? 18/5 विल बी द राइट आंसर। सभी को समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मेथड 1 समझ आ गया? ये सभी बच्चों को अप्रोच समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, हाय ना रिजू, क्लियर है आपका? क्लियर है अप्रोच? क्लियर है, समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब इसी कंसेप्ट को हम दूसरे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब वो तरीका क्या है समझिए। ए लिखा मैंने, बी लिखा हमने, क्या लिखा बच्चों? ए लिखा और बी लिखा, या आप ऐसे भी लिख, ऐसे ही लिख लो, चलो ठीक है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली, ए लिख लो बी लिख लो, लिख लिया। ए कितने दिन में काम करता है बच्चों? 6 दिन में कर रहा है ना, तो ए काम करने में 6 दिन ले रहा है, 6 डेज, और बी, तो आप क्या करिए, इन दोनों का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा? 18। तो हमने मान लिया 18 यूनिट हमें वर्क करना है, मान लो जितना भी उन जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सबका जो भी डेज है उनका वर्क निकाल, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आया सभी लोग जानते हैं? कुछ बच्चे 36 अगर एलसीएम निकालेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, मतलब एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें दोनों का क्या चला जाए? डिवाइड चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आता? अच्छा बेटा, अब आप मुझे ये बताइए थोड़ा ध्यान से, ये ए है ये बी है। अगर ए बच्चों 1 दिन में जो ए सॉरी टोटल काम कितना होना है? 18 यूनिट, और ये कितने दिन में करता है? तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा ये? मतलब ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा। कौन? ए। ए कितना वर्क करेगा? 3 यूनिट पर डे। वो बी कितना काम करेगा? सोच देखो, 9 दिन में भी करता है, टोटल काम कितने यूनिट होना है? 18 यूनिट होना है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट पर डे, बोलो हाँ या ना? तो बेटा दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी मिलके कितना काम करेंगे 1 दिन में, बोलो बच्चों? 5 यूनिट पर डे। तो 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलके, और टोटल काम कितना होना है? 18 यूनिट। तो टाइम कैसे मिलेगा भाई? 18 काम होना है और 1 दिन में कितना होता है? 5 यूनिट। कितने दिन लगेंगे? नहीं लगेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? इसको कुछ लोग बोल सकते हैं 3/5 डेज। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये वाला मेथड भी अप्रोच क्लियर है, ये वाली अप्रोच भी क्लियर है? फटाफट अप्लाई करो, यस नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, समझते बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? बहुत आसान है। अगर मैं थोड़ा मेथड 1 की बात करूं तो हम लोग इतना समझ गए होंगे, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसा लिखेंगे हाँ या ना? एक ही दिन कर रहा है 12 दिन में, सॉरी, ए करेगा बच्चों 12 डेज में, बी करेगा 15 डेज में, सी करेगा, तो बच्चों ये क्या ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क होगा? नहीं हो गया वन डे वर्क, और 1 दिन का काम हो गया? नहीं हो गया वन डे, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क हो गया? नहीं हो गया बच्चों, बोलो हाँ या ना? तो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जल्दी से बोलो? एलसीएम 60 आएगा,
12 5 जा 15, 4 जा 60 और 3 जा 60, तो 12 हो गया नहीं हो गया बोलो, तो 12 y 1 y ये एक दिन में तक काम होगा, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, पलट दो इसको 5 days, पता है ना मैंने अभी, एक दिन का काम और टाइम आपस में क्या होते हैं 1/1 रेसिप्रोकल, क्लियर है, आसान है, सबको समझ आ गया होगा, कोई डाउट किसी को? अब अगर मेथड 2 से करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे, ए लेंगे, कौन कौन लेंगे, बी और, अब पूरा लिखूंगा नहीं मैं, इतने दिन आप में सीधा लिख रहा हूं, ए कितने दिन में कर रहा है, बी सी, सॉरी सॉरी बी 15 डेज में, सी तीनों का बेटा एलसीएम बताओ फटाक से क्या आएगा, मतलब 60 यूनिट काम होना है, तो ये कितने दिन लेगा, एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, टोटल कितना होगा 5 4 9 3 12 यूनिट काम होगा टोटल 1 डे में, इन 1 डे एक दिन में कितना काम होगा 12 यूनिट और टोटल 60 यूनिट वर्क होना है, या सुनो तो डेज कितने लगेंगे बच्चों, 60 by 5 days, बहुत जगह हमें ये वाला अप्रोच बहुत आसानी देगा, कुछ कुछ जगह में ये अप्रोच भी आसानी देगा, समझ आ गया दोनों अप्रोच, क्लियर है सभी को, रिप्लाई करिए यस और नो फटाफट स्टूडेंट्स, चार्ज लगाओ जरा, देखिए बच्चों कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको, क्या बोला गया है, ए एंड बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 5 days में, एंड ए अकेले कितने दिन में करता है 8 days में, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन में क्या है कि 1/a + 1/b, मतलब क्या हुआ कि ए का ए मान लो हमने मान लिया एक 5 दिन में कर रहा है, बी तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, दोनों मिलके 5 days में कर रहे हैं, ये बात कितने बच्चों क्लियर होगी भाई, एक दिन में कितना काम करेगा 1/a, मान लो ए काम कर रहा है ए दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/a, बी करेगा एक दिन में 1/b, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 1/5, क्यों, क्योंकि 5 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/5 होगा, अब हमें ए का अकेला दे दिया कितना, तो 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/5 - 1/5, ये बात लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को, 48 - 5 तो कितना आ जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम कितना लगेगा 40/3 days, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एक दिन का काम निकल रहा है, ये क्या है 1 day work राइट, किसका 1/b, मतलब समझ गए 1/b का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, तो b का सीधा निकल के आ जाएगा वैल्यू, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सभी को, अच्छा अब इसी कंसेप्ट को मुझे मान लो इस वाले प्रोसेस से लगाना होता, ठीक है, आप समझते जाइए सही बच्चे, तो यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है और सॉरी ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा है, और कौन और किसका दिया है, ए का दिया, बस ऐसे ही दिया है, हमें जो डेज दिए हैं वो ए प्लस बी के दिए, बी के दिए, ए के दिए, बी के तो पूछे कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, और ए बी ए के लिए कितने दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मतलब 40 यूनिट वर्क होना है, बोलो टोटल 40 यूनिट वर्क होना था, तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे होंगे बेटा 8 यूनिट पर डे बोलो, और ए अकेले कितना कर रहा होगा 5 यूनिट, तो कंफर्म है बी अकेले कितना करेगा, बी अलोन कितना करेगा, वी अलोन डू 5 यूनिट, कैसे भाई, ए और बी मिलके एक दिन में 8 यूनिट पर आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, ए प्लस बी 5 दिन में काम कर रहे थे, ए 8 दिन में काम कर रहा था, दोनों का एलसीएम 40 आ गया, तो 40 यूनिट काम होना है मान लिया, तो अगर हम इस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, मतलब जब ये 5 दिन ले रहे हैं 5 डेज ले रहे हैं, ये 8 डेज ले रहे हैं, इतना वर्क है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 8 यूनिट पर डे भाई 5 दिन में 40 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 8 करेंगे नहीं करेंगे दोनों मिलके, ये 8 दिन में 40 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा नहीं करेगा, तो अब जब ए अकेले एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, ए और बी मिलके 8 यूनिट कर रहे हैं, तो बी अकेले कितना करेगा 3 यूनिट, 3 आएगा यहाँ पे ना, ये कितना करेगा 3 यूनिट करेगा, समझ गए, तो अकेले टाइम कितना लगेगा, यार पागल हो जाता है क्या कभी कभी, ये 3 यूनिट, तो डेज कितने लगेंगे बी को,
डेज फॉर बी अलॉट, 40 यूनिट काम होना है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा, 40/3। सभी को समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर सभी को, यस और नो? देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ए एंड बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ए और बी सी तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? आप शायद समझ पा रहे होंगे, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वन डे वर्क मेथड वन लगाऊंगा, तो वन डे वर्क अगर मैं ऐसे निकालू, समझना बात को बच्चों, कि 1/a + 1/b का कितना आएगा बच्चों, 1/8, 1/b + 1/c का कितना आएगा बच्चों, 1/12, 1/c + 1/a का कितना आएगा बच्चों, 1/8, तीनों 8 है क्या, मे बी देख 12 8 8 ना, देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, मुझे शायद 80 हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी 12 8 80 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8 12 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 80 रहेगा, है ना। तो अब एक चीज समझ गए होंगे आप लोग, इसे क्वेश्चन वन बोल दूं, इसे क्वेश्चन टू बोल दूं, इसे क्वेश्चन थर्ड बोल दूं, और तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये 1/a 1/a 2 बार, 1/b 1/b 2 बार, 1/c 1/c 2 बार, है ना। ये क्या हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तीनों को अगर मैं एक एक क्वेश्चन मान लूं, ये भाई ए और बी कर रहा था 8 दिन में, बी और सी कर रहा था 12 डेज में, और सी और ए भी कर रहा था 8 डेज में, तीनों को अगर मैं एक एक क्वेश्चन मान लूं और ऐड कर दूं, तो 1/a 1/a 2 बार, 1/b 1/b 2 बार, और 1/c 1/c 2 बार, तो क्या बोल सकते हैं, 2 times 1/a + 1/b + 1/c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 1/8 + 1/12 + 1/4, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 और 3 3 3 6 2 8 8 बाई करोगे तो 1/3 आएगा, हाँ है ना, तो 1/3 और 2 को इधर भेज दिया तो 1/6 हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 1/a + 1/b 1/c बोलूं तो क्या हो जाएगा, 1/, ये रिजल्ट आ गया हमारा, मतलब ये लॉजिक निकल के आया बच्चों, समझिए कि ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे एक दिन में, तो 1/6 काम होगा, तो टोटल अगर अगर तीनों काम करेंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे, डेज कितने लगेंगे टोटल, 6 डेज, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों, ठीक, लॉजिक क्लियर है। अब अगर इसी को मैं सेकंड मेथड से कर रहा होता तो कैसे करता, थोड़ा देखते हैं बच्चों, फिर से इधर देखते हैं कैसे करेंगे, है ना, सेकंड मेथड समझते हैं। a+b दिया है, b+c, और a+b बेटा कितने दिन में कर रहा है काम, 8 डेज। अब जो भी नहीं कि अब यहाँ पे बार बार डेज लिखें, तब समझ लो, यहाँ पे कितना बेटा और यहाँ पे कितना, तीनों का एलसीएम बता दो फटाफट से, 20, तो ये 3 यूनिट करेगा, यहाँ पे 2 यूनिट होगा, यहाँ पे अगर हम तीनों को ऐड करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 यूनिट, बट कौन करेगा ये, 2 times a + b + c करेंगे तब होगा, बट मुझे क्या चाहिए, a + b + c, तो a + b + c कितना करेंगे, दूसरा डिवाइड हो जाएगा, बोलो कितना करेंगे, 4 यूनिट पर डे, बोलो, और टोटल काम कितना होना है, 24 यूनिट, समझ गए, टोटल काम कितना होना है, 24 यूनिट काम होना है, तो आगे आंसर बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, बोलिए कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। जब ये दोनों तीनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 4 यूनिट, टोटल 24 यूनिट होना है, तो टाइम कितना ले लेंगे ये लोग बेटा 6 डेज टाइमिंग ले लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, रिप्लाई फास्ट या सुनो, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा आप देख सकते हो उसमें कोई काम क्या कर दे रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं बीच में, ठीक है, इस काम को छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोलो। तो आप लोग एक कंसेप्ट लिख लीजिए कि जब लोग काम को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, अलग से लिख लो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, लिखो व्हेन सम पर्संस लेफ्ट
द वर्क इन मिडिल और ज्वाइन द वर्क इन मिडिल then always use concept sum of work of all persons is equal to one. Yeah, is equal to total work. Is equal to total work. बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, ठीक है, मीनिंग बहुत बड़ा है. आपको जो क्वेश्चन टफ लगते हैं वो इससे आसान हो जाता है इस अप्रोच को. मतलब दैट इज, हमें मालूम, बोल देता हूं कि ए इज वर्क प्लस बी इज वर्क. मान लो ए है, बी है, सी इज वर्क, राइट, समझ गए. ऐसे जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबका वर्क लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल जितना भी काम करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया सभी को? बोलो हाँ या ना. समझ आ गया सभी को बच्चों? कंसेप्ट नोट कर लिया? नोट कर लीजिए जल्दी से. मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीच में आ रहा हो, चाहे वो बीच में छोड़ के चला गया हो, सबके कामों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा. टोटल हमारा कितना वर्क हुआ है. समझ पा रहे हो मेरी बात को? आया ना. आप देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व. समझते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों. कौन सा क्वेश्चन आ गया ये? आगे का आ गया क्या? यही था. ओके, आप पर ए कंप्लीट करता है किसी काम को 20 दिन में, बी कंप्लीट करता है उसी काम को 25 दिन में. एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं. आफ्टर 5 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो कितने दिन में टोटल वर्क हमारा कंप्लीट होगा? बात समझिए, 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 समझिए. ए किसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकता था, बी 25 दिन में. दोनों ने काम तो ज्वाइन कर लिया, बट 5 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो हमारा जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? समझिए बच्चों बात को. तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट लगाएंगे. क्या? शांत रहिए. ए का वर्क बी का वर्क इज इक्वल टू वन. तो टोटल वर्क हम लोग बन लेते हैं इस वाले केस में. जो इधर वाला अप्रोच उसमें बन लेते, नहीं लेते. अब अच्छी समझिए, अगर ए का वर्क और बी का वर्क अलग अलग नहीं दिया होता, मान लो कुछ हिस्सा दिया होता कि सबका अलग अलग नहीं दिया होता, कि एक भाई कैसे पता चलेगा जब वो कितने दिन में काम कर रहा है, ये पता होता. जैसे इसमें ए का अलग दिया, बी का इंडिविजुअल अलग दिया. कभी कभी बोल देता कि ए और बी का मिलकर इतना है और ए का इतना है, तो पहले मुझे बी का अलग से निकालना पड़ता, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअल वर्क निकालना पड़ेगा. समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ए का वर्क कितना है एक दिन का? एक दिन का बताओ. और ए ने काम कितने दिन किया? 5 दिन. तो ये ए का काम होगा कि नहीं होगा? 5/20. कितने बच्चों क्लियर है? मैं इसको डायरेक्ट 5/20 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए. ए ने काम को, ए काम को 20 दिन करता है, बट स्टार्ट करने के बाद ए छोड़ के चला जाता है 5 दिन बाद. तो ए ने काम को तो बस 5 दिन किया ना, बोलो. तो 5/20 काम करके ए चला जाएगा. बी ने कितना काम किया होगा? लेट कर लिया हमने, टोटल जो डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, एक्स मान लिए. टोटल डेज कितना लगेगा? एक्स. तो बी ने कितना काम किया, कितने दिन काम किया? बी तो पूरा काम किया, जब से ज्वाइन किया तब से करता रहा. तो एक दिन में कितना करेगा बी? 1/25 काम करेगा. और करता रहेगा एक्स दिन तक, तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन. इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, निम्सेट में पूछे जा चुके हैं. क्या आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी? खत्म काम. हाँ या ना. एलसीएम कितना आएगा? 100. 5 बार जाएगा 25 हो जाएगा, 4 बार जाएगा 4x आएगा इज इक्वल टू 1. तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में से 25 जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, कितना, 4 1 जा 4, 3 आया, 4 8 जाना
32 3/5 डेज। सभी को समझ आ गया कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें ए का और बी का अलग से था दिया गया था, तो मैंने इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख लिया। अगर नहीं दिया होता तो मुझे अलग से पहले इनका सबका इंडिविजुअली वर्क निकालना पड़ता, बट हमें इंडिविजुअली पता होना चाहिए। जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि एक दिन का काम कितना होगा। और इंडिविजुअली का पता होगा जब मुझे इंडिविजुअली उसकी इफिशियंसी पता होगी कि वो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा। अगर कोई पर्सन टोटल काम को 20 दिन में कर देगा तो एक दिन में कितना होगा? 1/20। बट इंडिविजुअली क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं, अगर इस वाले में शुरू करेंगे तो भाई फिर से इंडिविजुअल निकालना पड़ता है इस केस में, याद है ना? एक दिन का जो काम होता है इसमें इंडिविजुअल निकालना पड़ता है, इसमें हमें सीधा वन अपॉन करके पता चल जाता है। चलो ए है और बी है, बोलो ए कितने दिन में करता है, बी तो टोटल काम कितना करना होगा बच्चों? 100 यूनिट काम करना होगा, हाँ है ना? समझ रहे हो? तो ए एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट पर डे। बी 4 यूनिट पर डे। अब अगर ध्यान से देखें तो ए का वर्क प्लस बी का वर्क मिला के टोटल वर्क होना चाहिए, बोलो हाँ है ना? यस और नो? यही तो कंसेप्ट है। तो ए का काम कितना होगा? एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, और कर कितने दिन रहा है? 5 दिन में चला जाएगा, 5 × 5। बट बी कितने दिन कर रहा है? पूरा एक्स दिन कर रहा है, यस और नो? ये सेम लाइन है दोनों के लिए, ठीक है? तो बी कितने दिन कर रहा है? एक्स दिन। और एक दिन में कितना कर रहा है? 4 यूनिट। टोटल करना कितना है? 100 यूनिट। आ गया एक्स का वैल्यू 75/4, बोलो। थ्री बाई फोर। कोई दिक्कत किसी को? दोनों मेथड अपनी जगह अच्छे हैं। जैसे अगर इसमें ए प्लस बी दिया होता तो ई यहां से थोड़ा जल्दी निकल आता है, फिर यहां पे मुझे अलग से निकालना पड़ता। समझ गए? क्लियर है? चलो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। क्या है प्रॉब्लम समझिए? ए किसी काम को 24 दिन में, बी 36 दिन में, तो सबका दिया है ना बेटा, हाँ या ना? तो अगर मैं पहली अप्रोच लगाऊंगा, बच्चों ध्यान से देखना थोड़ा सा फिर से, ए कितने दिन काम कर रहा है? काम खत्म होने ही वाला था, बस 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो मान लिया काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? लेट वर्क कंप्लीट इन एक्स डेज। तो बेटा ए का काम प्लस बी का काम इक्वल टू एज वर्क प्लस बीज वर्क इक्वल टू 1 होगा। तो ए ने कितना काम करता है एक दिन में? 1/24, आया ना? बट कितने दिन किया ए ने? खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, मतलब पूरे एक्स में से बस 3 दिन कम करो, इतना काम किया होगा ए ने, आया ना? एक्स में से 3 कम, 3 दिन पहले छोड़ा बस, खत्म जिस दिन हुआ। अगर एक्स दिन में खत्म होगा तो इसने छोड़ दिया 3 दिन पहले ही, और बी ने तो छोड़ा ही नहीं कहीं भी काम, छोड़ा क्या? तो बी पूरा, और बी का कितना एक दिन का? इज इक्वल टू एलसीएम 72 आएगा, हाँ या ना? 24 3 जा हो जाएगा, तो 3x माइनस 9 हो जाएगा, 36 × 72 2x 5x हो गया, 72 9 ऐड करो कितना हो जाएगा? 80। तो बेटा x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं, 16 1/5 डेज। क्या आंसर आ जाएगा? 16। कोई डाउट किसी को, दिक्कत? ये वाला मेथड समझ आ गया होगा, ए का एक दिन का 1/24 होगा, बट ये 3 दिन पहले छोड़ दिया तो एक्स माइनस 3। बी का एक दिन का 1/36 होगा, बट ये पूरा किया है जब तक काम हुआ एक्स दिन, तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई। अगर इसी को हम लोग यहां से करेंगे तो कैसे होगा, जल्दी से बोलो बच्चों। ए है और कितने दिन में करता है? 24 36। एलसीएम कितना आएगा? 72। ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, ठीक है? यस और नो? यही होगा, एक दिन में 3 यूनिट करेगा, एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो ए का काम प्लस बी का काम एज काम प्लस बीज काम कितना हो जाएगा? इक्वल टू 72 यूनिट होगा। यहाँ पे ए कितने दिन करता है? एक्स से 3 दिन पहले, मतलब इंटू ए करता कितना? 3 यूनिट। और बी कितना करता है? एक्स दिन कितना करता है? तो 3 2 5x 9 होता जाएगा, तो 81।
एक्स की वैल्यू 81/5 मतलब 16/1 किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो तो बता दो, दिक्कत तकलीफ हो तो बता दो, नहीं है ना, सप्लाई करो हाय ना, लिखिए ए एंड वी कैन कंप्लीट अ वर्क, शांत रहिए लिखिए, ए एंड वी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक, ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, ए और बी कितने दिन में करता है बच्चों, कितने दिन में करता है ए और बी, 12 डेज में करता है, ठीक है, और ए अलोन कितने दिन में करता है, कितने दिन में, 20 डेज में, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वट आफ्टर थ्री डेज, बट आफ्टर थ्री डेज बी लेफ्ट द वर्क, बट आफ्टर थ्री डेज बी लेफ्ट द, तीन दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, एंड नेक्स्ट आफ्टर टू डेज, एंड नेक्स्ट आफ्टर टू डेज सी ज्वाइंड देम, ज्वाइंड ए, बी गया था छोड़ के, छोड़ के कौन गया भाई, बी, एंड नेक्स्ट आफ्टर टू डेज, नेक्स्ट आफ्टर टू डेज बी ज्वाइंड ए, सॉरी सी ज्वाइंड ए, आया ना नया भाई, सी ज्वाइंट, ज्वाइन कर रहा है ना, सी ज्वाइंट ए, हु कैन कंप्लीट द वर्क इन, हु कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, जो अकेले काम कितने दिन में कर सकता है बेटा, कौन, सी, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग, बिफोर नहीं, अब आगे लिखना, एंड, एंड करके लिखो, एंड टू डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, टू डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, टू डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क, दो दिन बचे थे काम खत्म होने में, ए भी छोड़ के चला गया, इन हाउ मेनी डेज वर्क हैज कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, ठीक, हम आप इसी तरीके से मनमर्जी बी सी डी और ला सकते हैं, ठीक है, समझ गए, बट निमसेट भी इतनी मेहनत नहीं करेगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा तुम्हें दे, बट इसमें मनमर्जी जितने को लाना है लाओ, जितने को छुड़वाना है छुड़वा दो, ठीक है, समझ गए होगे, अगर आपने अप्रोच समझ ली है, अब समझो बात को, अगर हम लोग इसको पहले मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि ए का तो अलग है, हमें सबसे पहले तो इंडिविजुअली सबका पता है क्या बच्चों, ए का पता है, बी का पता नहीं है, सी का भी पता है कि वो अकेले कितने दिन में कर, अकेली क्षमता सबकी पता है बट बी की नहीं है, तो बी की या तो निकालना पड़ेगा, कैसे, 1/a + 1/b = 1/12, इसकी वैल्यू रख के निकाल दो तो निकाल आएगा, तो मैं क्या सीधा सेकंड मेथड बताऊं इस क्वेश्चन में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सेकंड मेथड पे आ जाऊं मैं, समझिए आप, तो बेटा अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सबका पता है ना लगभग, में बोलो हाँ है ना, तो हम चाहे तो केवल इन्हीं दोनों से बी का ही निकाल सकते हैं भाई, हमें सी की जरूरत ही नहीं है, हम सी को अगर पिक्चर में ना भी लाए तो भी चलेगा, अगर तुम लाना चाहो तो ला दो, ठीक है, समझ रहे हो, सी कितने दिन में काम करता है बच्चों, अगर आप इसको पिक्चर में लाना चाहते हैं तो लाइए, नहीं लाना चाहते तो मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों का एलसीएम बताओ कि 60 आएगा, मतलब 60 यूनिट वर्क होना है, हाँ या ना, ए कितने दिन में, ए प्लस बी कितना करेंगे एक दिन में, 5 यूनिट पर डे, ए कितने करेगा, अब आपको जरूरत थी किसी की, सी की जरूरत थी क्या, नहीं थी, नहीं थी, समझ लो, लाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तो ए का काम, तो बी का कितना आएगा, वी, बी वन डे वर्क बताओ जरा, आ गया नहीं आ गया बताओ, कितने बच्चों को ये क्लियर है, बताओ, आसानी से निकाल लिया हमने, उधर जाओगे तो भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, बट अब हम ज्यादातर इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तुम्हारा बी का काम कितना आ गया बच्चों, भाई ए प्लस बी का 5 यूनिट काम है एक दिन का, ए का एक दिन का 3 यूनिट काम है, तो बी का एक दिन का 2 यूनिट काम हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए, अच्छा
अब हम लोग लैड कर लेते हैं कि काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा, एक्स दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। मान लिया हमने कि एक्स दिन में भाई साहब हमारा काम खत्म होने वाला है, ये जो हमारा काम खत्म है वो कितने दिन में होगा, एक्स दिन में होगा, हमने ये मान लिया। तो जरा मुझे बता दो बच्चा लोग, अगर एक्स दिन में काम कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, ए का काम प्लस जितने लोग भी काम में पार्टिसिपेट किए सबको लिख लो, और यहां पे कितना यूनिट काम होना है, कोई दिक्कत तो नहीं इस लाइन को लिखने में, कोई दिक्कत। अब बताओ ए कितने दिन काम किया, बेचारा शुरू से ज्वाइन किया था, बस काम खत्म होने के दो दिन पहले छोड़ के चला गया, तो एक्स माइनस दो दिन किया कि नहीं किया, और एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में कितना करता है, सी यूनिट, बनवाई वाला तो मेथड दूसरा है। बी कब काम करता है, कितने दिन काम करता है, काम स्टार्ट होने के तीन दिन बाद ही छोड़ के चला गया, तो सिर्फ तीन दिन काम किया, थ्री इंटू कितना बच्चों, जस्ट नंबर थ्री इंटू कितना, बी कितना करता है दो यूनिट, सी कितने दिन काम करता है, सी आया कब था, पहले तो ए और बी किए तीन दिन, तो वो तीन दिन तो सी नहीं था, उस जब बी चला गया उसके दो दिन बाद आके ज्वाइन किया, मतलब पांच दिन कौन नहीं था, सी नहीं था, मतलब इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी सी का है कितना बेटा, ठीक है निकाल लिया, अच्छा है ठीक है, निकाल के बाद में निकालना पड़ता, तो उसको रख लिया पिक्चर में, ठीक है इक्वल टू, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, रिप्लाई फास्ट या सुनो, 3x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 60, 3 दो 5x, 6 से 6 गया 70, x इक्वल टू 14 दिन, तो टोटल 14 दिन काम होगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन में, क्लियर है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है सभी को, हाँ या ना रिप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, वो वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया अभी तुमको, उसमें कितने भी लोग ज्वाइन करें कितने भी छोड़े कुछ नहीं फर्क पड़ता, सबका इंडिविजुअल निकाल लो कि भाई एक दिन का काम बता दो इनका कितना है, और सबको एक लाइन में लिख दो और टोटल वर्क के बराबर कर दो, और जिसने जितने दिन काम किया उतने से मल्टीप्लाई मारते जाओ, आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा कुछ ही समय में। ओ क्या है ये वही क्वेश्चन है कि दूसरा ही, ओके सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का है, चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, 9 डेज में करता है, बी 12 दिन में करता है, दे वर्क स्टार्ट अल्टरनेटिवली इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश ए बिगिंस, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा, हो गया। तो इसको मेथड वन से बताओ कि दोनों से बताओ कि एक से बताओ, जल्दी बोलो क्या डिमांड है, दोनों से चाहते हो। तो बच्चों ए कितना करेगा एक दिन में काम, ए एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में, ये पहला दिन हो गया वन डे, अगले दिन कौन आएगा कितना काम करेगा, वन भाई ये कितना काम हो गया सेकंड डे, दो दिन हो गए बोलो, तो टू डेज में कितना वर्क होगा, दो दिन में कितना वर्क हो जाएगा बच्चा, हाँ या ना, एलसीएम कितना आएगा 36, 4 प्लस 3 7 बाई 36 हो जाएगा बोलो, तो दो दिन में जो काम हो रहा है वो 7/36 हो रहा है, काम होना कितना है एक, एक होता है ना काम, बड़ काम होना चाहिए। अब सोच के देखो दो दिन में ये होगा, फिर कौन आएगा ए, फिर आएगा वी, तो फिर 7/36 हो रहा है, तो चार दिन में कितना हो जाएगा 14/36, फिर दो दिन काम होगा, छह दिन में कितना हो जाएगा 21/36, नहीं तुम्हारे में हमारे में दिख रही नेटवर्क प्रॉब्लम, स्क्रीन पॉज है क्या भाई, नहीं अपना नेटवर्क सही करो, तुमको यहाँ हम सामने देखे तो उसकी चिंता क्यों है, नहीं तुमको उसकी चिंता क्यों, जो तुम मेरे सामने बैठ के पढ़ रही हो, ओके कोई बात नहीं लीव इट। तो बच्चों समझ में आ गया था, समझ रहे हो मेरी बात को, या तो मैं बार बार इसको लिख के दिखाऊं आपको, समझिए कि भाई दो दिन में कितना काम हुआ, जरा बताओ दो दिन में कितना काम हुआ, फिर अगले दो दिन में कितना काम होगा, फिर अगले दो दिन में कितना काम होगा, फिर दो दिन में कितना काम होगा, हाँ या ना, फिर दो दिन में कितना काम होगा, कितना काम हो गया अभी तक बताओ, 35/36 मतलब बन के आसपास पहुंचने लगे हम लोग,
इससे बेटर है कि हम ये सब कहानी लिखे हैं, उससे बेटर क्या है देखो दिखाते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है। जादू हो जादू हो जादू। अब देखो दो दिन में 7/36, तो इसको लगभग में बन के पास पहुंचना है। अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो 42/36 हो जाएगा। तो 42/36 ज्यादा होता है, तो काम 1 से ज्यादा हो गया। हमें तो 1 काम चाहिए ना, तो बताओ बेटा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये 2 दिन कितना बन जाएगा, 10 दिन। 10 दिन में बताओ कितना काम होगा, कोई दिक्कत कहीं तकलीफ नहीं। तो 10 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बताओ, रिमेनिंग वर्क आफ्टर 10 डेज, जल्दी जल्दी बोलो, 1 - 35/36 यानी कि 1/2, जो कि करने कौन आएगा, हु विल कम, ए विल कम, आया ना। और ए की अपने आप की क्षमता कितनी है, 1/2, 1/36 को तोड़ा ही देगा वो, या सुनो, तो कितना टाइम लेगा, एक कितना एक काम करने आएगा तो कितना टाइम लेगा। टाइम का फॉर्मूला बताया था क्या, लिख लो एक फॉर्मूला लिख लो, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। समझना मेरी बात को ध्यान से, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन, तो काम कितना बचा, 1/36 बचा भाई साहब। हर 2 दिन में 7/36 काम होगा, 7/36, तो 10 दिन में हो जाएगा 35/36, तो एक जो काम बचा वो 1/36 बचा, और से करने जो आएगा वो आएगा ए। ये तो समझ में आ गया होगा, ए बी का पेयर आ रहा था अभी तक, कोई दिक्कत तकलीफ। अब ए अकेले करता भाई साहब एक दिन में 1/9, और करना उसे कितना 1/36, तो कितना टाइम लेगा ए कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क कितना है जो करना है उसे, पूरा तो करना नहीं है, और एक दिन में कितना करता है, तो 9 ऊपर जाएगा 1/2, 1/4 दिन और लेगा ये। मतलब टोटल डेज बता दो जरा मुझे कितने आएंगे, 10 1/2। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या बोला, क्वेश्चन इन हाउ मेनी डेज वर्क इज वुड बी कंप्लीट, तो आएगा 10/1/4 डेज, 10 दिन में 7/35/36, और बचा हुआ 1/4 आधा दिन में कर देगा वो रिमेनिंग जो बचा है, क्योंकि एक दिन में भाई साहब वो 1/9 करता है, तो 1/36 को करने में उसे एक दिन का भी चौथा पार्ट लगेगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ये आंसर है, इसके 3 तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे। पहला तरीका होगा Who will finish the work? A। कुछ समय भी आ जाता, Who will finish the work? तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है अच्छा कितना रह गया, 1/36 रह गया, कौन कर देगा, अरे तो A निपटा देगा आके, तो बस खत्म, A will finish। On which day work will finish? 10th day, 11th day, 12th day, 14th day। कौन से भी दिन में खत्म होगा, 11वें दिन में, 11th day। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश, तो पूरा आ सकता है, 10/1/4 भी आ सकता है, 11 भी लिख के आ सकता है, पर दोनों आएगा तो इसको चुक करूंगा, 11th लिख के आएगा तो 11th day में खत्म हो गया, 11वें दिन में काम खत्म हो गया, बट एग्जैक्ट कितना टाइम लगा, तो 10 1/4। कंसेप्ट समझ आई, आ गया ये वाला मेथड समझ, सेकेंड से भी बताऊं कि ना बताऊं, रिक्वायर्ड है सेकेंड मेथड से बताना, रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को, ओके आकाश कुमार रिक्वायर्ड, रिपीट, अरे यार इसमें क्या रिपीट को, मन नहीं, मतलब मन नहीं है मेरा, आप रिपीट मन नहीं, सेकंड मेथड को समझिए, इसका रिपीटेशन आप वीडियो में देखिएगा, ठीक है। हाँ मेथड 2 बता देता हूं मैं, बट इसका रिपीटेशन आप वीडियो में ही देखिए, ये वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे भी आ जाएगा एकदम, तो आज का वीडियो में यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है, तो आप इसे यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, बट अभी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उसको रिपीट करें, हम सेकेंड मेथड बता देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। चलो भाई साहब कौन कौन काम करने आए थे बताओ मुझे, ए और बी है बस, 2 लोग, तो ए कितने दिन में करता है काम, बी भाई साहब, तो काम कितना होना है, क्योंकि हमें ये तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, जैसे वहां टोटल 1 होता है तो यहाँ पर टोटल में निकालना पड़ता है हमेशा एलसीएम लेके, तो 1 डे बदल जाता है, तो इसका एक दिन का 4 यूनिट, इसका एक दिन का
ठीक है। अब क्या हमारे अकॉर्डिंग क्या है, पहले दिन कौन करेगा एट, तो कितना करेगा चार यूनिट, दूसरे दिन कौन करेगा बी, कितना करेगा तीन यूनिट। ये पहले दिन किया फर्स्ट डे, ये कौन से दिन किया सेकेंड डे, तो इसका मतलब टू डेज में कितना काम हुआ, चार तीन सात यूनिट, बोलो हाँ है ना। दो दिन में कितना काम हुआ सात यूनिट, काम होना कितना है छत्तीस यूनिट, तो दस दिन में कितना काम होगा पैंतीस यूनिट, बोलो रिमेनिंग कितना बचेगा एक यूनिट, जिसे करेगा कौन ए विल कम, और एक करता। अब टाइम कैसे निकालोगे ए के लिए, काम कितना बचा है एक यूनिट, और करेगा कौन ए, एक दिन में कितना करता है चार यूनिट, तो कितने दिन मोड़ा देगा एक बटे, तो टाइम कितना लग जाएगा दस एक बटे चार डेज। लॉजिक समझ में आ रहा होगा, सेम ही होता है ना, कोई दिक्कत तकलीफ किसी बच्चे को, रिप्लाई फास्ट। आकाश कुमार अभी भी समझ नहीं आया, अभी समझ आया कि नहीं आया आकाश, आकाश अभी क्लियर है, आया ओके ठीक है, समझ आ गया सभी को सेकेंड मेथड। कुछ दिन बाद में फर्स्ट, कुछ दिन बाद क्या थोड़ी देर बाद में फर्स्ट मेथड भूल जाऊंगा ठीक है, मतलब बताना बंद कर दूंगा ठीक है, हर बार थोड़ी दो दो बार बताऊंगा, क्या मेहनत करा रहे हो मुझसे, दोनों बताइए सर, खुद करिए कुछ ठीक है, अब अगली बार से मैं एक ही बताऊंगा। हाँ पहला आ रहा क्यों बताऊं, दूसरा कर बताऊंगा क्यों, हमसे मेहनत कराओगे, तुम नहीं करोगे मेहनत, वन अपॉन मैं करता रहूं है क्यों, वन अपॉन मैं करूं। चलिए नोट करिए एक और कंसेप्ट, जो छोटी सी कंसेप्ट है बट हमारे काम में आने वाली है, नोट करिए फटाक से बच्चों, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, लिखिए। अरे कुछ लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन, अरे लो भाई आ गए हम, आ गए, नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से, देखिए कैसे करेंगे, समझते हैं। ए जो है वो दो गुना अच्छा है किससे, बी से। अभी मैंने आपको क्या, बी का वर्क एफिशिएंसी कितना है बताओगे बच्चा, वर्क एफिशिएंसी क्या दी गई है 2:1, क्यों ए जो है वो बी से दो गुना अच्छा है, तो 2:1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बोलो बच्चों। तो टाइम कंफर्म है, टाइम किस रेशियो में आएगा बच्चों बताओ, 1:2 में। मान लो हमने मान लिया इसको एक्स डेज, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको एक्स डेज मान लिया तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2x डेज हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। हम लोग क्या कर गए, उन्होंने बोला कि ए और बी टुगेदर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में, तो हम लोग ना इसको एक साथ ले गए एक्चुअली, और उसको हम लोगों ने 2x+x मान के कितना कर दिया था 3x = 18, और x की वैल्यू कितना निकाल लिया था 6, तो ये गलत है ना, ऐसा थोड़ी होता है। कोई कहे ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर 30 दिन में करेंगे क्या, तो हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं राइट, जो कि हमारा गलत है, बिल्कुल प्रॉपर गलत है ठीक है, बट स्किप हो गया था है ना, तो इसको ऐसे नहीं करना है, हम लोग को अपने मेथड से करना है, अपना मेथड पढ़े जाना याद करो, ए बी, ए कर रहा कितने दिन में, बी कर रहा, दोनों का क्या लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 2x आएगा, x से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो 2 यूनिट पर डे, 2x से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 यूनिट पर डे, तो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 2 और 1 3 यूनिट, और कितना टाइम लगेगा उनको, डेज कितना लगेंगे, इतना काम होना है तो कितना डेज लगेंगे 2x/1, एक दिन का कितना है 3 यूनिट, और ये दिया कितना है 18, तो 2x/3, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, तो x मतलब ए कितने दिन में करेगा अकेले काम करेगा तो 27 डेज। देखो कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से, ए जो है वो बी का 4 times एफिशियंट है, 4 times मतलब ए जो है बी से 4 गुना एफिशियंट है, एंड फिनिश टास्क 45 days अहीड ऑफ बी, मतलब अगर बी से 45 दिन पहले खत्म कर देगा, और समझ गया बात को, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का कंसेप्ट लगेगा, करें सॉल्व, यस सर,
देखो बेटा कौन कौन है हमारे पास, ए है और दोनों का रेशियो कितना दिया है, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी क्या है, ये 4:1 हो जाएगा। तो बेटा टाइम कितना लगने वाला है जल्दी बोलो, इसको कितना लगेगा एक्स, इसको कितना लगेगा, ठीक है यही है। उसने गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है कि जो बी है, जो ए है वो 45 डेज पहले काम कर लेगा, मतलब बी को ए से 45 डेज ज्यादा लगेंगे। मतलब ये हो गया कि बी के जो डेज है वो, उसमें से अगर ए के नंबर ऑफ डेज काउंट करें तो कितना आएगा, समझ गए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो बेटा ये कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, ये कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। बात समझ में आ गई, बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब अपना कल वाला काम दोनों के साथ कराना है, हमें पता चल गया ए कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में, बी 60 दिन में, दोनों का क्या आएगा, कितना आएगा, तो ए कितना यूनिट बनाएगा एक दिन में, 4 यूनिट बनाएगा, बी एक दिन में कितना बनाएगा, टोटल 5 यूनिट बनेगा। तो डेज कितने लगेंगे जल्दी से बताओ, 65, यानी कि कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, फटाफट अप्लाई करो या सुनो, आ जाओ आ जाओ, सभी को क्लियर है कंसेप्ट एकदम अच्छे से, ठीक है, कुछ रिपीट क्यों नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, क्लियर है। ए 4 टाइम अच्छा था, और देखना जब भी आप ऐसा काम करोगे ना तो एक दिन का जो काम है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उनका एफिशिएंसी भी नजर आएगा। देखो ये कितना कर रहा है, 4 टाइम, 4 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, तो ये 4 टाइम एफिशिएंट है कि नहीं है, है? सही है, मतलब है ना, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ू मैं, पक्का वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करो, हो जाएगा सेम है, करें बच्चों इसको, सेम है, देखो कैसे करेंगे। ए जो है वो 3 गुना अच्छा है किससे, बी से, हो जाएगा सेम है ना, आई थिंक, है ना। अब वर्किंग कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं, बस अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट आ जाएगा और कुछ नहीं है, राइट। बोलो पहले क्या करेंगे बताओ बच्चों, ए और वर्क इफिशियंसी कितनी है जल्दी बताओ, ए कितना गुना अच्छा है, 3:1, तो बेटा टाइम कितना लगेगा जल्दी बताओ, एक्स, और कोई दिक्कत तो नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बने कि जो बी है, नहीं, ए जो है वो बी से 16 दिन पहले काम खत्म कर लेता है, मतलब बी का अगर नंबर ऑफ डेज ए से कम करे तो कितना आएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये 8 दिन में काम करेगा, बोलो ये 24 दिन में करेगा, आया ना, बोलो या सुनो फटाफट, क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो, ए लिख लिया, बी लिख लिया, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी एलसीएम कितना आएगा, 24 यूनिट काम होना है, यहां पे कितना निकलेगा, 3 यूनिट पर डे, इसका कितना निकलेगा पर डे। तो अगर मान लो पहले अल्टरनेटिवली काम करेंगे तो पहले कौन करेगा, ए, पहले दिन ए करेगा फर्स्ट डे, बोलो सेकेंड डे कौन करेगा, तो ए कितना यूनिट बनाएगा, 3, और बी कितना यूनिट बनाएगा, 1, तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 डेज में कितना बनेगा, 4 यूनिट, और बनाना कितना यूनिट है, 24 बनाना है ना, तो इस 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 24 यूनिट का बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज। समझ आ गया कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है कंसेप्ट, रिप्लाई करते जाओ बच्चों फटाफट, हाँ है ना। कल वाली क्लास है बच्चों ने समझी, उनको समझ आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। नोट करना था क्या, अब तो गया, इसको करो बच्चों, ए जो है वो बी से
सॉरी, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 60% ज्यादा इफिशियंट है। देखो ए है और कौन है बेटा, बी। ऐसे तो बी जो है वो ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है। इसको एक आपको रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब वर्क एफिशिएंस का रेशियो कैसा नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो, इसको मान लिया 100% एफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये 100% एफिशिएंट है तो इसको कितना मान लिया, 160। भाई कोई कोई 100% होता है तो दूसरा वाला उससे 60% ज्यादा कैसे होगा, 160% एफिशिएंट होगा। 20 से भाग दे दो, 5:8 आ गया, वर्क एफिशिएंसी आ गई नहीं आ गई, तो टाइम का रेशियो क्या होगा जल्दी बोलो, 8x और 5x। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब ए अकेले काम को कितने में कर सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x की वैल्यू कितनी है, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो बच्चों, 12/8 यानी कि 3/2। हाँ है ना, तो बेटा बी ए कितने दिन में काम कर रहा है, दिया ही है पहले से कितना, 12 डेज में। बी कितने दिन में करेगा जल्दी बताओ, 5x, 5 × 3/2 यानी कि कितना बच्चों, 15/2 डेज में। यही पूछा है क्या क्वेश्चन, क्या पूछा है, बी कितने दिन में करेगा, तो 15/2 को क्या बोल सकते हैं, 7/1/2 दिन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया, इजी है, टफ तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को क्वेश्चन, समझ आ रहा है इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब आप सभी को समझ आ रहा है अच्छे से, है ना, क्लियर है, नोट कर लो अगर करना चाहो तो। टाइम एंड वर्क समझ आ रहा है सभी को बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसा मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा टफ नहीं आता कुछ भी, ठीक है। हर लेवल के क्वेश्चंस करा दिए मैंने आप लोगों को। चलो, ओ कहाँ गया, एक और है, बना पाओगे, करो करो भाई, करो 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 करो, इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे। पी जो है वो क्या है, 20% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, क्यू से, और क्यू जो है अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, तो पी अकेले कितने दिन में करेगा, हो जाएगा आई थिंक, है ना, सेम बताओ, बताओ कि हो जाएगा। देखो बच्चों हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कौन कौन है बच्चों, जरा बताओ, जरा नाम बताओ इनके, इन लोगों के नाम बताओ कौन कौन है, ए है और बी है, पी और क्यू है क्या, बदल गए लोग भाई सब, पी और, तो वर्क एफिशिएंसी क्या है जरा बता दो, क्यू, पी जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है क्यू से, तो क्यू को 100% मान लेते हैं, तो ये 120% हो जाएगा। बोलो 6:5, टाइम कितना लगेगा बेटा, 5x/6x। अब क्या बोला है, क्यू किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, यानी कि तो 6x की वैल्यू, तो पी दिया गया, सही तो है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/, तो क्या पूछा उसने, पी अकेले कितने में करेगा, तो पी अकेले कितने में करेगा, 5 × 5/3 यानी कि 25/3 दिन में। है कोई ऑप्शन ए, 8 × 24/1 25/, समझ आ रहा है बच्चों, बात समझ आ रही है बात, हाँ है ना, है नहीं, हमने तो बस नाम सुना है। चलो नोट कर लिया, क्वेश्चन में क्या है, मतलब कंसेप्ट क्या है समझिए, कि M1 आदमी W1 वर्क को D1 दिन में करते हैं और H1 घंटे काम करते हैं, मतलब दिन में भी घंटे दे दे अगर कोई तुम्हें, कि 5 दिन काम कर रहे हो और हर दिन में कितना काम कर रहे हैं,
6-6 घंटे, और R₁ रुपीज मिलते हैं उनको, क्या मानते हैं R₁ रुपीज, तो R₁ हमने मान लो रुपए मान लिया उनको कि इतना उनको रुपए मिलता है, ठीक है, हर घंटे का इतना रुपए मिलता है, ठीक है, रुपए भी लगा दिया मैंने इसमें, हालांकि MDH है तो रुपए भी लगा दिया। और M₂ की सिचुएशन दूसरी दी गई है, इतने दिन में इतना करते हैं, S₂ घंटे काम करते हैं, R₂ रुपीज मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बच्चों, हाँ या ना। तो बच्चों फॉर्मूला होता है पहले का, जितने आदमी पहली सिचुएशन में, जितने दिन काम किया और जितना उनका आवर काम किया, नीचे जाएगा क्या, कितना काम करना है और कितने रुपए मिल रहे हैं, समझ में आ गया, दोनों पार्ट को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, नहीं है ना सर, अलाउ फिर नहीं है, बोलो अरे हाँ चल, यही क्वेश्चन है, 10 आदमी किसी आधे काम को 12 दिन में करते हैं 8 घंटे पर डे काम करते हुए, किसी आधे काम को 10 आदमी किसी आधे काम को कितने घंटे काम करते हुए 8 घंटे पर डे काम करते हुए कितने दिन में खत्म करते हैं 12 दिन में, तो 18 आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे अगर वो पर डे 6 घंटे काम करेंगे। मुझे नहीं लगता यार कि दिक्कत होगी, होगी क्या, कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन, बताओ जरा, नहीं ना भाई साहब, M₁ D₁ H₁ हाया ना भाई साहब के साथ, बहन बहन लोग को भी बोल दे रहा हूं मैं, W₁ M₂ D₂ W₂, कितने आदमी थे सरदार, सिर्फ 2 आदमी थे, फिर भी मार खा के आ गए, ले अब गोली खा, चलो कोई बात नहीं। D₁ कितना है, कितने दिन में काम किया 12 दिन में, पर डे कितना घंटा काम कर रहे थे भाई, वो काम कितना किया था, पूरा किया था कि आधा किया था, आधा यानी कि 1/2, क्लियर। अगला टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, M₂ कितने लोग हो गए, अब 18 आदमी हो गए, कितने लोग हो गए 18 आदमी हो गए, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने दिन में काम करना है, ये पूछा है क्या उसने, कितना टाइम ना, D₂ तो निकालना है, पर डे घंटे कम कर दिए गए और समय पूरा एक, कितना आसान है निकालना, बहुत, बोलो बहुत, बहुत आदमी थे है ना, तो अब तो समझ आ गया होगा वैसे ना, तो D₂ की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 2 ऊपर पहुंचेगा छलांग मार के, फड़ाक से ऊपर पहुंचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 20, 12 और 8, और वहां से कौन कौन आएगा यहाँ पे छलांग मार के, 18 और 6 से तो ये उड़ जाएगा, 6 × 2 = 12, 2 से ये उड़ जाएगा 9, बस, तो D₂ की वैल्यू हो जाएगी 160/9, 9 का भाग जाएगा, दे पाओ तो दे दो, नहीं तो यहीं पे घुमा दो डेज। मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में और क्वेश्चंस की जरूरत भी है क्या जरूरत, ठीक है, अरे क्या लिखते रहोगे, इसे डिवाइड करते रहोगे, चलो एक क्वेश्चन अगर जरूरत है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करा देता हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लो फिर, अगर तुम्हें, अगर तुम्हारा बहुत मन है तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लिखिए। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, कहानी बताओ पहले, पूरी कहानी क्लियर है, चलो 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 चलो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर नहीं करो, मतलब हो गया होगा, MDH का क्वेश्चन है ना, कैसे दिया है बताओ, क्या दिया है, क्या दिया बोलो, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 दिन, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मैन है जो कंप्लीट करते हैं जॉब को 30 दिन में, अगर 5 मैन और आ जाए तो वो 10 दिन कम में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो हाउ मैनी मैन वर इन बिगनिंग, कितने लोग हो जाएगा,
सुबह तो मान लिया कितने लोग थे, एक्स लोग थे, तो याद है ना फॉर्मूला पढ़ाया था, तो पढ़ाया था बच्चों, एम वन डी वन अपॉन में वर्क इज इक्वल टू, जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा भी सकते हम लोग, जैसे आवर की नहीं थी तो मैंने क्या हटा दिया, आवर हटा दिया, हालांकि वर्क की भी नहीं है, क्यों सेम वर्क अगर बात हो रही है तो उसको बैठा सकते। क्या बोल रहा है कि कुछ लोग थे, मान लो एक्स लोग थे, वो 30 दिन में काम को कर रहे थे, काम मान लो हमने 1 मान लिया, राइट। अब बोल रहा है कि 5 लोग और आ गए ना, एक्स प्लस 5 हो गए, इन्होंने 20 दिन में कर दिया, बोलो 20 दिन में कर दिया ना, अगर 5 लोग और आ जाए तो 10 दिन कम हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, काम अभी भी क्या बनी है, तो 30x की वैल्यू कितनी होगी, 20x प्लस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 10 लोगों ने काम शुरू किया था। समझ आ गया कंसेप्ट, क्लियर है, क्लियर है कहानी, बोलो हिमांशु पक्का ना, हटा दूं कहानी कहानी, अरे ये क्या है, इनलेट पाइप आ गया यार, ये क्या है, पीछे क्यों जा रहे हैं, बहुत आगे निकल गए क्या, ये हो गया ना अभी, चलो ये वाला लिख लो भाई साहब, लिख लो, बच्चों कैसे करेंगे, देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक रोड है जो 5 किलोमीटर की बनानी थी सौदन में 280 लोगों को, ठीक है, तो मतलब 280 लोग अगर काम करने के लिए लगे, ठीक है स्टार्टिंग में, लेकिन 80 दिन में मुझे उसे ये पता चला, 80 दिन में उसे क्या पता चला कि जो रोड डली है वो कितनी डली, सिर्फ 3.5, मतलब 3.5, 7/2 ही वर्क कर पाए, कितने दिन में, 80 दिन में, तो 280 लोगों ने 80 दिन तक काम किया और सिर्फ कितना काम किया, 7/2 किलोमीटर काम किया, या सुनो इधर वर्क किया इतना वर्क किया इन लोगों ने, इज इक्वल टू करा, कितने लोगों को और लगाया जाए काम पे कि टाइम पे काम खत्म हो जाए, मतलब बचा हुआ कितना बचा है, 1.5 किलोमीटर और बचा है, बचा हुआ 1.5 किलोमीटर 280 में कितने लोगों को और ऐड कर दिया जाए कि वो 20 दिन में बचे हुए काम को खत्म कर दे, बस समझ गए, क्लियर है, बोलो बच्चों भाई 20 दिन बचे हमारे पास, तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे पता चला कि भाई साहब 80 दिन खत्म हो गए, 3.5 किलोमीटर डाल पाया काम को हमारा, टाइम पर खत्म हो, तो मान लिया एक्स लोगों को और लगा दिया, तो ये हट गया ना, बोलो 4 बार, बोलो बच्चों ये भी हट गया, यस और नो, बोलो क्या आ जाए सॉल्व करके, एक्स 200 सॉल्व किया आप लोगों ने, सॉल्व कर लेना 200 ही आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर 200 आ रहा है, क्या कैसे करेंगे देखते हैं, एक आदमी काम हो जाएगा कि आ गया क्या है देखते हो, एक वर्क है जो कंप्लीट होता है 28 वुमेन से 36 दिन में, ठीक है, तो मतलब 28 लोगों ने, बहुत सिंपल तरीका है आप समझ सकते हो बच्चों, 28 लोगों ने कितने दिन काम किया होगा, 36 दिन, तो काम क्या हो जाएगा कंप्लीट, बट 4 वुमेन छोड़ के चलेगी कितने दिन बाद, 18 दिन बाद, देयर हाउ मेनी डेज विल नीड, मतलब ये हुआ 18 दिन तक तो काम हुआ, 18 दिन बाद गई ना, तो आधा काम तो हो चुका होगा, अगर ये कंसेप्ट समझा जाए तो 18 दिन में कितना काम हुआ होगा, यहाँ पे 18 दिन कर लेते हैं, बोलो जब 36 दिन में पूरा काम हो रहा था तो 18 दिन में कितना काम होगा, आधा, यह सुनो, और कितने दिन में हुआ 18 दिन में, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, क्योंकि 18 दिन तक तो पूरी वुमेन रहने वाली, 28 के 28 वुमेन रहेगी, तो बोल रहे हैं कि 4 वुमेन छोड़ के चली गई, तो 4 छोड़ के चली गई तो कितनी वुमेन बची अब, 24,
तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, वही वाला जो बचा है, बचा भी आधा होगा, तो आधे से आधा तो चला गया, 7 4 से कट करोगे तो 6 जा और यहाँ पे 7 जा, कोई दिक्कत तो नहीं, और कट कर सकते हो, 6 से कर दो, 6 3 जा और 6 4 जा, क्लियर है, 7 जा, 20 1, समझ आ गया कंसेप्ट, क्लियर है बच्चों? हाँ है ना, 21 इज द राइट आंसर। अच्छा अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सर ऐसा ना करूं, मैं अगर इसको पूरा रखे रहने देता तो कुछ दिक्कत होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो कैसे, 28 लोग कितने दिन काम कर रहे थे, कितने दिन काम कर रहे थे, 36, तो पूरा काम कर देते, आया ना कोई दिक्कत। चलो अब कितने लोग छोड़ के चले गए, 4 लोग, तो कितने लोग बचे, मान लो ये एक्स दिन में काम करेंगे तो कितना काम करना है अब, क्योंकि 18 दिन में हुआ होगा तो आधा हुआ होगा, आधा बचा भी काम, आधा काम करना है। इसे भी सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 21, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, समझ गए बात को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, चाहे जो कंसेप्ट लगा देना आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सब लोग समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, लिख लिया कॉन्सेप्ट, लिख लो बढ़िया सी बना के डायग्राम। ए मैन, कितने मैन और बी वुमेन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, डी दिन में, लिखा है ना, ए मैन और बी वुमेन कैन आल्सो डू वर्क इन डी डेज, मतलब चाहे ए मैन लो या फिर बी वुमेन लो, काम कितने दिन में होगा, डी दिन में, ठीक। देन एक्स मैन एंड वाई वोमेन, अब हमने क्या कर दिया, मैन को कितना ले लिया, एक्स, वोमेन को कितना ले लिया, वाई, मतलब दोनों को मिला दिया, कितने दिन में काम को करेंगे, लॉजिक समझ में आ गया, मतलब पहले उनके बारे में और बोला जाए और कुछ दिन दे दिया जाए, बाद में उनको मिला के काम कराया जाएगा, भैया तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, तो जो दिन आता है फॉर्मूला वो होता है ए इंटू बी इंटू डी होल अपॉन में एक्स बी प्लस वाई है, लिख लो, मैंने फॉर्मूला बता दिया, अभी मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत तकलीफ कहीं से भी है तो बताओ। मतलब पहले जितने आदमी जितने लोग जितना काम, टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया, नहीं हो गया देखा जाए तो, नॉर्मली बात सोचो टोटल कितना काम हुआ होगा, इतने लोगों ने, इतने लोगों ने, तो ठीक है टोटल काम हो गया, नीचे एक्स मेन, तो इसका जो बाई आएगा कौन, वोमेन का, बाई वोमेन और ए मैन, सीधे बाई का, समझ आ गया कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्लियर है। एक और कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और लिख लीजिए, नोट नंबर 2, बच्चों इस कंसेप्ट को भी नोट कर लिया, पीछे वाला हो गया था नोट, लॉजिक समझ में आ गया था इसका, ए मैन बी वोमेन और ए मैन या फिर बी वोमेन डी दिन में काम करते हैं, एक्स मैन एंड वाई वोमेन कितने दिन में करेंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इधर क्या है, ए मैन या बी वोमेन या सी चाइल्ड आ जाए, ये डी दिन में कर रहा है, तो बेटा इतने मैन इतने वोमेन और इतने चाइल्ड कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा है, ए बी सी इंटू डी, फिर एक्स के साथ किसका बेटा, बी और सी, फिर वाई के साथ किसका, ए और सी, फिर जेड के साथ किस कौन, ए और बी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉर्मूले हैं दोनों, समझ आ गया कंसेप्ट, क्वेश्चन देखना चाहोगे, देखना चाहोगे कि करना भी चाहोगे, हो जाएगा, हो गया होगा, बोलो हो गया होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, दिक्कत हो तो बता दो मुझे कि हाँ सर दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। 3 मैन 4 वुमेन हो जाएगा ना, फटाक से बोलो क्या लिखोगे, कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, 7 मैन और 5 वुमेन, तो कुछ नहीं करना है, रिक्वायर्ड एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 43 अपॉन में बोलो मैन ले लिया, कितने मैन है, 7, तो वुमेन का ले लो कितना है, वुमेन ऊपर 4 प्लस वुमेन कितनी है बेटा अगली बार, 5, तो मैन ले लो कितना, तो डेज बताओ, 12 × 43 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5,
15 और कितना 28 कितना होता है 15 28 43, क्या बात है क्या बात है, 12 दिन। कितने बच्चों को समझ आया, बोलो आया समझ, आया समझ बता दो भाई माइक से बोल कर। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर, इधर सबको क्लियर है कि नहीं है? मान लो फॉर्मूला याद नहीं होता तो, ये फॉर्मूला तो आ गया होगा समझ में, और वालों को मल्टीप्लाईडी के साथ, फिर जितने एंड वाले हैं मेन के साथ वो मेन के साथ मेन, चिल्ड्रन भी होते तो मेन वुमेन चिल्ड्रन और देश मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे कौन, जितने एंड वाले चल रहे हैं मेन लिया तो ऊपर वाले के वुमेन और चिल्ड्रन प्लस, समझ गए, वुमेन लिया तो ऊपर वाले के मेन चिल्ड्रन प्लस, समझ गए होंगे। अगर हम मैं कहूं आपसे कि भाई साहब आप फॉर्मूला गए भूल, कैसे ऊपर ये था या नीचे ये था, यहां प्लस था या यहां मल्टीप्लाई था, हो गए कंफ्यूज, और सामने 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है भूलने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी नहीं भूल सकते हम, जैसे MDH भूल पाओगे कभी, वो नहीं भूल सकते, MDH ही जब साथ में है तो MD into H, ठीक है, तो वो तो कभी नहीं भूल सकते। तो क्या हम MDH से लगा के देखें इसको, देखते हैं। पहली सिचुएशन में M1D1 H तो है ही नहीं, दूसरी सिचुएशन में M2D2, काम तो सेम है तो नीचे बनी आएगा ना, सेम वर्क मतलब वन, बोलो कोई दिक्कत किसी को, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को यहां पे लगाने में, हा या ना? चलो इसको W1 W2 लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, बट आप समझ रहे हो सेम वर्क की बात हो रही है तो दोनों कट जाएंगे। पहली बार में तो पहली बार में हमें दो भाई साहब लोग बताएंगे, या तो ये लो या फिर ये लो, तो किसको लेना चाहोगे, मैन ले लो, तो 3 मैन ले लिया मैंने, 3 जरूरी नहीं है, वुमेन भी ले सकते हैं। कितने दिन तक काम किए, 43 दिन तक काम हुआ होगा ना। इधर क्या है बेटा, दूसरी बार में क्या है, अब दोनों लेना है, 7 तो मैन लेने हैं तो 7 एम ले लिया, बट वुमेन कितनी चाहिए बेटा, 5। और थोड़ा दिमाग को दौड़ाया जाए तो मुझे ये दिया गया है कहीं ना कहीं, क्या दिया गया है, क्या दिया गया बोलो, 3 मैन का काम और 4 वुमेन का काम क्या है, बराबर। तो एक वुमेन का काम कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 मैन के काम के बराबर, यस नो, हाय है ना। तो कितनी वुमेन अगली बार, 7, तो 21/4 होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ गए हमें तो भाई, अगर तुम W बना लोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसको भी किसने बना लिया मैन में, तो कितनी वुमेन है, 7 और एक वुमेन 3/4 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 21/, और कितने दिन में काम करेगा ये निकालना है, अपॉन में 1। बात कितने बच्चों को समझ आई, दूर दूर तक समझ आई, दूर दूर तक बात समझ आ रही है, आगे पीछे बोलो सब बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दिल्ली बिहार कानपुर सबको समझ में आया, बोलो आया कि नहीं आया, आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है, कौन पागल हो गया है, कोई हुआ है पागल क्या आज, नहीं हुआ, क्वेश्चन देखो कोई पागल तो नहीं हो गया, देखें जरा, 5 वुमेन है सर, 5 है क्या वुमेन, तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है इतनी देर से, क्यों पगलाए बैठे हो, तो 5 दिया 15/4, क्या दिक्कत भाई, 15/4 मैन, ठीक। तो भाई साहब अब हो गया, MCM तोड़ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कितना हो जाएगा इधर बताओ, 3/43 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई साहब, जल्दी बोलो, 7 को 2815 43/4, इधर कितना आ जाएगा डेज, 43,000 तो ये तो अब शायद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे तरीका, भूलोगे, ये तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, MDH वाला काम कर जाएगा भाई, हमने वुमेन ले लिया होता तो वुमेन ले लिया होता यहाँ पे, तो इधर वाले मैन को वुमेन बनाना होता, ठीक है, समझ आ गई कंसेप्ट, उत्सव कहाँ गया, उत्सव सामने बैठा है, बिल्कुल शांत बैठा है आज उत्सव, हमने उत्सव को मना कर दिया आज कुछ बोलना मत, उत्सव ये वैसे ही उत्सव नहीं बताया मुझे, उत्सव तुमने बताया, क्यों नहीं पता चला तुमको भाई, आंखों के सामने बैठी गलती, इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेन वुमेन चिल्ड्रन सब आ जाए, सब उड़ा दोगे, तीनों को बदलना पड़ेगा, उस केस में क्या और होगा, तो किसी एक को ले लो, आगे जब मेन भी होंगे वुमेन भी होंगे चिल्ड्रन भी होंगे, तो मेन लिख लिया वुमेन चिल्ड्रन को मेन में बदल दिया, हो जाएगा,
और एक्चुअली वही काम हो रहा है फॉर्मूले में भी, दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन इसी तरीके का आता है एंड वाला, तो बहुत सिंपल है, वो सीधा एक क्वेश्चन बना के बन जाता है। ठीक है दिखाता हूँ, वो सीधा क्वेश्चन जब एंड वाले होता है कि एंड एंड आया तो एक क्वेश्चन बना के बना दिए उसको। अब मैं एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है, और ये मैं जब जब पूछता हूँ तब तक हमें लोग गलत ही बताते हैं। बताओगे, करना चाहोगे हेल्प? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बताओगे? रेडी? ऑनलाइन वाले भी रेडी? जल्दी बोलो, तुरंत आंसर देना, मतलब सोचना नहीं है, मतलब तुरंत। हाँ मतलब छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी पूछ रहा हूँ, तुरंत आंसर देना है। ठीक है, 10 मैन किसी काम को 100 दिन में करते हैं, तो एक मैन उस काम को कितने दिन में करेगा? जल्दी, कितने दिन में? ये यही चाहिए था, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वाले कम ऑन, 10 दिन। कुछ बच्चे तो अलग अलग बता रहे हैं। 10 मैन किसी काम को 100 दिन में करते हैं, 10 आदमी 100 दिन में कर पा रहे थे, अब एक बचा तो तुम क्या रजनीकांत समझ रहे हो उसको? क्या वो रजनीकांत बन जाएगा? सोच के देखो, 10 आदमी 100 दिन ले रहे थे भाई, अब वो अकेला एक बचा उसमें तो रजनीकांत बन गया वो, और फटाफट 10 दिन कर देगा वो। तो भाई साहब यहां होता है मल्टीप्लाई, कभी कभी खेल हो जाता है इतने से ही। ठीक है तो कहा जाता है कुछ बचपन की चीजें ऐसी दिमाग में घर करके बैठती है हमारे, कुछ बचपन की चीजें हैं हमारे दिमाग में ऐसे घर करके बैठती हैं कि वो निकलाएगा, निकाले निकाले नहीं निकलती, पता है ना, ऐसा दिमाग ही होता है। खत्म, यहाँ एक चाहिए, उड़ा दो 10। कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी थोड़ा समझो, जगह कौन सी है वो भी देखो, जरूरी नहीं कि हर बात हर जगह काम आ जाए। सो भाई साहब 1000 होगा, ठीक है, बस फटाक बन बोलते रहो, मैं आधी क्लास हमेशा ही गलत बोलती है इसमें, मैं हमेशा यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 आदमी 100 दिन, तो एक आदमी वो सर रजनीकांत बनेगा, वो बन जाएगा रजनीकांत, हाथ पैर चला चला के वो 10 दिन में खत्म कर देगा सर। चलो एनीवेज, योग सपाट आगे बढ़ते हैं। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हो? हाँ ये भी कर सकते हो क्या? एक और क्वेश्चन आ गया पीछे, एक मैन दो हो जाएगा, गल वाला आ गया वही सेम, या तो तीन वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई। जरूरी नहीं कि मैंने मेन वोमेन और चिल्ड्रन ही बोला तो आप भाई साहब आप वही लगाओ, मेन बॉय और गर्ल्स भी आ जाए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? फॉर्मूला लगाओगे या फिर वो वाला एमडीएच? एमडीएच में थोड़ा समय लग सकता है, फॉर्मूले में हटाक, फॉर्मूला जब तक याद है तब तक बुला दो, फॉर्मूला लगा के दिखाऊं क्या? बोलो भाई साहब इन हाउ मेनी डेज वन वा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या होगा जल्दी से बताओ, 1 × 2 × 3 और × 88 आया ना, यही था ना, जितने मैन जितने वोमेन और मैं जो थे ऊपर आएंगे। अब नीचे एक वो आया ना, तो उस एक में कितने से जितनी गर्ल थी, कितनी? दो, सॉरी एक क्या है, मैन क्या है, एक मैन है ना, पहले मैन के लिए करता हूं, एक मैन है ना, तो उस एक मैन में 2 बॉय और 3 गर्ल, फिर एक बॉय है तो उस एक बॉय में 1 मैन और 3 गर्ल, फिर बेटा एक कौन है, गर्ल है, तो उस एक गर्ल में 1 मैन और 2, समझ पाए? 2 × 3 × 88 नीचे हो जाएगा 6 × 3 = 9 = 2 = 11 = 8 = 48 दिन। ठीक है, एमडीएच में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, जितना हो सके आप याद रखिए, एम होता उन लोगों में तो छोड़ के चला जाता काम ही, अच्छा तुम होते तो जरूरत काम ही छोड़ चले जाते सही है, जब 9 जा रहे हैं तो हम भी चले जाते। 100 लोग थे क्या पहले, कितने लोग थे? 10 थे, अब 9 जा तुम भी जाओ, और क्या मेहनत कौन करेगा भाई, भाग हम भी पलट देते हैं। होता था ना ऐसे, कभी काम काम मालूम पता ही, काम शुरू हुआ घर में, सब पोतना शुरू करना, थोड़ी बात देख लो तुम ही अकेले रह गए, मम्मी पापा बहन भाई सब आगे भाग खड़ा, समझ रहे हो, आज थोड़ी हम करते रहेंगे। चलो 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 चलो, क्लियर है, समझ आ गया सभी को? तो भाई यही कहानी है पूरी टाइम एंड वर्क की। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
इसको मैं डाल दूंगा यार अंकुर से, तुम डलवा लिया करो ना, तो ये मैं डालता नहीं हूँ, तो चाहो तो फिर मैं खटाखट खटाखट प्रैक्टिस करते जाएंगे। वही जो भी पढ़ाया उसी के बेसिस पे कुछ 10-15 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, तो ये हम मुझे लगता है कि आपको डाल दूंगा इसमें, ठीक है, बेस आंसर्स डाल दूंगा, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है, आप सीधा उस सीट पे जाइए बनाइए। टाइम एंड वर्क इज फिनिश्ड फ्रॉम माई साइड, कुछ भी इसके अलावा नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, समझ आ गया। वी विल मूव ऑन, पाइपिंग सिस्टम ऑन टुमारो, ठीक, कल खत्म होगा, उसमें अब इतना भी समय नहीं लगेगा अगर ये समझ लिया है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, टेस्ट दीजिए टाइम पे, और इस हफ्ते के जो टेस्ट है आपके वो कौन कौन से जल्दी से बताओ। चलो।